वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर है जहां बारिश के चलते ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भेरुंदा तहसीलदार संदीप गौड़ ने ब्लॉक के कई गांव का दौरा किया और गांव का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि बारिश के चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच रूप सिंह बनवारी को नाले की सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही। आगे कहा कि अगर स्थिति से निपटने के लिए स्कूल कॉलेज आदि में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो बाढ़ प्रभावित लोगों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत के सरपंच को बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए गए। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। हाँ, विगत कुछ घंटों से बारिश जो हुई है उसके कारण लालजी में जो नाला निकलता है उसमें काफी ज्यादा पानी आ गया। कुछ पड़ोस के मकानों और दुकानों में पानी है भरने की सूचना प्राप्त हुई थी। पटवारी जी और हम लोग निरीक्षण के लिए आए थे तो कुछ मकानों में पानी भरा है और दो मकानों में खाद्यान्न की क्षति हुई है। नाले में कुछ अतिक्रमण की सूचना तो प्राप्त हुई है। उस अतिक्रमण को पंचायत को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको हटा के और नाले को सुधाई की जाए ताकि पानी जो है सुचारू रूप से निकल सके।